चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं गणित कक्षा 10 की कार्यपत्रक वर्कशीट नंबर 25 6 सितंबर की वर्कशीट है। टॉपिक है वर्कशीट का आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, बीपीटी की थ्योरम भी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो देखिए अब इसको अवलोकन करना, ध्यान से समझना है आपको। देखिए क्या भी पेड़ दिख रहे हैं, कोई यहाँ पर कोई चीज है या कोई भी व्यक्ति है या कोई भी है। तो यहाँ से क्या ये एंगल बना हुआ है, कोण बने हुए हैं। ये बीच में एक पेड़ छोटा पेड़ आ रहा था, हम देख रहे हैं कि इस तरह से कुछ त्रिभुज बन रहा है। अगर देखा जाए तो ऐसा त्रिभुज बन रहा है जिसमें एक त्रिभुज ये भी बन गया है ना। अब यहाँ पे भी देखिए कुछ ऐसा ही हो रहा है आपको, ये कोण, ये त्रिभुज बन गया बीच में, यहाँ पर भी ये है। तो थेल्स प्रमेय को हमें समझना है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को। कथन किया जाता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य भुजाओं को भिन्न 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए सीधे रेखा खींची जाती है। देखिए एक भुजा के समांतर, ये एक भुजा है, इसके समांतर एक रेखा खींची गई है जो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काट रही है, काट रही है यहाँ और यहाँ। ठीक है, और दो बिंदुओं पर काटती है और ये भुजा इसके समांतर है, तो ये क्या करेगी, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में भाग करेगी, यानी ये बटा ये अनुपात ये बटा ये होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं, जैसे इन्होंने इसमें दिया हुआ है नाम कि ए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जो डीई है वो बीसी के समांतर है। तो हम एक त्रिभुज यहाँ पे ले लेते हैं, पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, तो कैसा भी त्रिभुज बना सकते हैं। एक बार ध्यान रखना है कि जो डीई है वो इससे समांतर होती है और डी अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काट रही है। ठीक है, ये लिखा हुआ ना, इसकी स्टेटमेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना स्टेटमेंट को। तो हमें ये दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, सिर्फ क्या करना है एडी बटा डीबी एई बटा ईसी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम सी को डी से और बी को ई से लीजिए, ये मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। ठीक है, और इस पे इस वाले त्रिभुज पे इस वाली लाइन पे हम एक लंब खींचे जिसका नाम दे दिया हमने डीएम। ठीक, वैसे यहाँ से एक लंब खींचे जिसका नाम दे दिया हमने ईएन। क्लियर है, मैं इसको इरेज करता कि आपको साफ दिख जाएगा ये। तो ये इस तरह से डीएम लंब है, ये देखिए लंब बना रखा है और यहाँ पे ईएन लंब है, तो ये हमने खींचा है अपनी तरफ से। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ये होगा 1/2 आधार, अगर मैं ये ले लूं ए ई, ठीक है, या ए डी ले ले। तो अगर ए डी आधार लेते हैं तो ऊंचाई हो जाएगी ये लंब ई एन। ठीक है, तो अगर हम ए डी लेंगे तो ई एन होगी ऊंचाई। ठीक है, उसी प्रकार से बी डी ई का क्षेत्रफल देखिए, बी डी ई जो ये है ये भुजा है, इस भुजा को अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो इसका लंब यहाँ आ जाएगा, ये लंब बन गया। ठीक है, लंब जरूरी के अंदर ही हो, त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार है डी बी और ई एन ही लंब है, दोनों क्षेत्रफलों को अपॉन में करते हैं, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा ए डी बटा डी बी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार अगर हम इस साइड लेते हैं, इस साइड की जगह ध्यान दे रहे हैं कि अगर वही ए डी का क्षेत्रफल लेंगे तो ये हो जाएगा आधार ए ई और लंब हो गया डी एम। ठीक है, और इस वाले त्रिभुज का ये जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का आधार है ई सी लेकिन लंब क्या होगा, ये हो गया बाहर की तरफ, वही लंब होगा डी एम। ठीक है, तो 1/2 से 1/2 हो गया, डी एम से डी एम कट गया, ए बटा ई सी आ गया सेकंड इक्वेशन। अब हमें ध्यान देना है कि ऊपर तो सेम है, ए डी लिखा हुआ है, यहाँ भी ए डी ई लिखा हुआ है। हम अगर ये सिद्ध करते हैं कि ये दोनों क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर हैं, कौन से दोनों, बी बी ई और डी ई सी के, तो समझ लीजिए 1 और 2 से दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि इसको फिर इरेज करते हैं कि ये जो दो त्रिभुज हैं, ये वाला क्या नाम है इसका, बी डी ई, और इसका नाम क्या है, सी डी ई। ये दोनों त्रिभुज क्या एक ही आधार है, चाहिए आधार मान लो चाहिए आधार मान लो, एक ही आधार है। ठीक है, डी की मान लिया, दोनों ही दो समांतर रेखाओं के बीच में, ये दोनों रेखाएं समांतर है, समांतर रेखा बी ए के बीच में है। तो ये 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर दोनों का एक ही आधार होगा दो समांतर रेखाओं के बीच में तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। क्षेत्रफल बराबर होंगे तो 1, 2, 3 समीकरण को मिला दिया जाए तो ये हिस्सा इस पूरे हिस्से के इक्वल हो गया। ठीक है, इक्वल हो गया ना,
तो मिटा देते सारा, तब दिखेगा आपको। सेम हो गया ये BD की और ये दोनों इक्वल हो गए, यानी 1 2 3 से हमें क्या मिल जाता है, AB बटा DB AE बटा EC के बराबर होता है। तो सिर्फ यही नहीं, हम ये भी लिख सकते हैं कि AD बटा AB और AE बटा AC भी बराबर होते हैं इनका रेशियो, तो हम ये आगे और भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है विलोम की बात। आधारभूत आनुपातिकता या समानुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि कोई अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, और एक रेखा है, दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं, ये रेखा ये दो भुजाएं हैं इनको समान अनुपात में बांटते हैं, ये हिस्सा इसके बराबर है, ये हिस्सा इसके बराबर है। अगर समान अनुपात में बांटती है तो ये जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी उल्टा सिद्ध करना है। ठीक है, यानी हमें ये दे रखा है अनुपात और हमें सिद्ध करना है ये। ठीक है, फिर स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है, सिद्ध नहीं करना। उदाहरण देखिए, उदाहरण में ये दे रखा है कि D की समांतर है, अगर मैं ABC लिखू यहाँ पे D और E लिख दू, BC के समांतर है तो X का मान निकालना है, हम लिखेंगे AD बटा DB AE बटा EC के बराबर है। BPT के द्वारा थ्योरम जरूर लिखनी है और सबकी वैल्यू लिख दीजिए, X बटा 3X जमा 4, यहाँ लिखेंगे X जमा 3 बटा 3X जमा 19। अब क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे, सॉल्व कीजिए, क्रॉस करके सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे हमने सॉल्व किया, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x जमा 19 को, और यहाँ है x जमा 3 और साथ में है 3x जमा 4, तो कितना आया बच्चों, ये आया, मल्टीप्लाई कीजिए 3x स्क्वायर जमा 19x हो गया, और राइट साइड में क्या है, इसको 3 से कीजिए 3x स्क्वायर, फिर इसको 4 से कीजिए 4x, फिर प्लस 3 को 3 से कीजिए 9x, और 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, तो 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर तो कट ही जाएगा, x वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो देखिए इधर 19x था और ये हो गया 9 और 4 13, 13 लेफ्ट में चला गया, माइनस का 13 हो गया बराबर 12, तो 19 में से 13 का कितना है 6 बराबर 12, x बराबर 12 बटा 6, यानी कि दो आंसर जो कि यहाँ दिख भी रहा है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हुआ है। ठीक, वैसे ही उदाहरण दो है जिसमें त्रिभुज एबीसी में, देखो त्रिभुज कैसे भी बनाए हम आप इसको कर सकते बड़े आराम से। ये कह रहा है कि जो ए बी और ए सी क्रमशः दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ है एक यहाँ बिंदु है, तो इन दो भुजाओं पे दो बिंदु है डी ई। ठीक है, यहाँ से एक रेखा प्रतिच्छेद करती हुई निकलती है और ये रेखा इसके समांतर, ये दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे देखना है, हमें सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी ए ई बटा ए सी के बराबर है। तो हम ये लिख देंगे ये समांतर है, अगर ये समांतर है AD बटा AB पूरा लेना है, AD बटा AB AC बटा AE बटा AC के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे लिखेंगे कि ये समांतर है, DE समांतर है BC के, तो बाय BPT, ठीक है यहाँ लिख दीजिएगा BPT आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, AD बटा DB यानी इतना हिस्सा ध्यान दीजिएगा, और इतना हिस्से का अनुपात AD बटा DB बराबर है AE बटा EC। ठीक है, इतना लिख लिया हमने, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, एक जोड़ने पे क्या होगा, हम LCM लेंगे तो ऊपर बन जाएगा AD बटा DB, AD जमा DB हो जाएगा, ये और ये जुड़ जाएंगे ऊपर और नीचे, तो AD में रहेगा जो भी है DB, ये जो हिस्सा है इसको ध्यान से देखिए, जब हमने दोनों तरफ एक जोड़ा तो जोड़ने पे क्या होगा, ऊपर हो जाएगा ए डी जमा डी बी और नीचे डी बी ही रह गया, और राइट साइड में यही होगा ए ई जमा ई सी, ई सी और नीचे ई सी ही होगा, ए डी और डी बी पूरा मिलके क्या होगा, पूरी लाइन बन गई, पूरी लाइन का नाम क्या है ए बी और नीचे है डी बी, और ये भी पूरी लाइन बन गई ए सी और नीचे है ई सी, इस तरह से हमारा ये आ गया। तो ये रिवर्स करके भी अनुपात हो सकता है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी ये हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो का आंसर देखिए, हेल्स प्रमेय कह रहा है, एक मैं करवाती पहले दो देख लीजिए, कथन लिखना और सिद्ध करना है, हेल्स समानुपातिकता प्रमेय यानी BPT प्रमेय, क्वेश्चन नंबर दो का यही आंसर होगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो का आंसर है पूरा का पूरा, आप इसे पहले तो कथन को बताएंगे और पूरा का पूरा ये क्वेश्चन जो है, ये पूरा जो है ये सॉल्व करके यहाँ आता है पूरा आप लिख देंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन वन करते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन वन क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में एस टी, देखिए एस टी ये है एस टी,
ये क्यू आर ये समांतर ही दे रखा है, एक्स का मान निकालना है तो हम लिखेंगे 1 ST समांतर क्यू आर दिया हुआ है ना, आगे भी लिख सकते हो पीछे भी लिख सकते हो दिया है। तो फेज प्रमेय क्या कहती है, पी एस बटा एस क्यू बराबर है पी टी बटा पी आर, बी पी टी प्रमेय कहती है ना, बाय बी पी टी। तो इसकी वैल्यू एक्स है नीचे 7.2 है, इसकी वैल्यू 1.8 है और इसकी वैल्यू 5.4 है। तो चलिए वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो हम देख रहे हैं इसका पॉइंट काटेगा तो नीचे 1 0 आएगा, इसका पॉइंट काटेगा तो ऊपर 1 0 आएगा, इससे कट ही जाएगा ये 18 18 18 54। तो ये आ गया x इक्वल टू 1/3 इनटू 7.2, ये 7.2 उधर चला गया। आप तो पॉइंट हटा के भी कर सकते हैं या बिना हटाए भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ठीक है। तो 7.2 इसको काट सकते हैं डायरेक्टली, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 3 2 3 6 3 4 12 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, 2.4 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एडला पॉइंट चैनल को, साथ में वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं।